तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी लोग का आ रहा है अपना चैनल पर। देख लीजिए, बिहार बोर्ड अब OMR सीट एंड आंसर सीट का आपका फोटो कॉपी देगा, ठीक है। जब आप एग्ज़ाम दे देंगे, यानी कि आपका एग्ज़ाम और रिजल्ट आ जाएगा, अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट होगा कि मेरे क्वेश्चंस में त्रुटि है, अगर आप वो बिहार बोर्ड गलती किया है, तो आप सीधी सी बात है अपना 500 रुपये लगाइएगा पर सब्जेक्ट, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपको 500 रुपये देना पड़ेगा आंसर शीट के लिए, और OMR सीट के लिए आपको 100 रुपये देकर वहाँ पर ऑफलाइन आवेदन देना पड़ेगा अपना देखने के लिए। तो चलिए हम थोड़ा सा जूम करते हैं और आप पढ़िएगा और हम भी पढ़ेंगे। अगर आप बिहार बोर्ड से अगला साल एग्ज़ाम देने वाले हैं, अगर अगला साल 2020 में आपका एग्ज़ाम होगा फरवरी में, तो उसके लिए देख लीजिए सबसे बढ़िया चैनल है आपका। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत जल्द, यानी कि जैसे ही वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी का यहाँ पर सब कुछ ख़त्म होगा, वैसे ही आपका यहाँ पर क्लास चालू होगा, और उसके बाद आपका 4 महीने में कैसे एग्ज़ाम को क्रैक करना है, और देखिए बढ़िया परसेंटेज भी आएगा, क्योंकि हम वो लोग कर चुके हैं, उस चीज़ से हम निकल चुके हैं, कैसे 4 महीना में आपका 90% निकालना है, उस चीज़ से हम लोग आगे निकल चुके हैं और ला कर भी हम रखे हैं, ठीक है। तो आप लोग को दिखाया जाएगा कैसे आप लोग 4 से 3 महीना में कैसे आप लोग कंप्लीट करिएगा पूरा का पूरा सिलेबस, क्या क्या क्वेश्चंस रहेगा इंपॉर्टेंट। तो चलिए अभी हम इस चीज़ को जान लेते हैं, उसके बाद इस पर बात करेंगे आगे हम। तो चलिए देखिए, इस पर हम जूम कर चुके हैं और चलिए यहाँ पर देख लीजिए, बिहार बोर्ड अब मैट्रिक और इंटर 2020 सत्र के परीक्षार्थियों को इंटर पुस्तिका, आप देखिए अपन उत्तर पुस्तिकाओं को फोटोकॉपी के साथ OMR का फोटोकॉपी भी आपको देगा, ठीक है। ये सबसे बड़ा अपडेट है, देख लीजिए, पहले CBSE में था, ठीक है, अब बिहार बोर्ड कर, बिहार बोर्ड काफ़ी बढ़िया बोर्ड हो रहा है, दिन पर दिन यहाँ पर सुधार होते जा, जिस तरह से रिजल्ट जारी करके बिहार बोर्ड में क्या हुआ कि रिजल्ट इस बार इतना फास्ट जारी किया कि पूरा भारत में रिकॉर्ड बन गया, ठीक है, ऐसा कोई बोर्ड नहीं था आपका। देखिए उसके बाद देखिए OMR का फोटोकॉपी भी देगा। पहली बार बिहार बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया है कि 2020 से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा देने वाले सभी छात्रों को ये सुविधा दिया जाएगा, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, ठीक हो। मैट्रिक और इंटर के अलावा बिहार बोर्ड द्वारा ली जाने वाली सभी परीक्षाओं में गर्ल्स एंड बॉयज़ को ये सुविधा दी जाएगी। इसके लिए छात्र को रिजल्ट के बाद आवेदन करना पड़ेगा। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, अगर आपको लग रहा है कि इसमें गड़बड़ है, तो आप आवेदन दे सकते हैं। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया है कि उत्तर पुस्तिका के लिए छात्रों को प्रति कॉपी, देखिए हम बोले हैं, 500 रुपये देना पड़ेगा, और OMR सीट के लिए जो आपका प्रति यहाँ पर सब्जेक्ट है उसके लिए 100 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, बोर्ड गवर्निंग के जो बैठक हुआ उसमें निर्णय लिया गया है कि मैट्रिक और इंटर में 50% प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव जो पूछे जाते हैं, यही आपका एग्ज़ाम के लिए काफ़ी रहते हैं। जो आप 50% अगर ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दिए तो आपका रिजल्ट यहाँ पर बन जाता है। उसके बाद आप वहाँ पर 5 नंबर वाला, 3 नंबर वाला, 2 गो 3 गो भी करिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 60 अगर सारे विषय में आप 60-60 नंबर भी लाते हैं तो आपका फर्स्ट डिवीज़न का चांस बन जाता है, ठीक है। अब चलिए अब आगे लेके चलते हैं। ज्ञात हो कि यहाँ पर 50% आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इनका उत्तर OMR आपको दिया जाता है, उसी पर आपको ब्लैक पेन से वहाँ पर या ब्लू से आपको घेरा जाता है। अभी तक आप नहीं देंगे तो आप लोग पहला बार देंगे तो सब कुछ हम बताएंगे कि OMR सीट होता क्या, कैसे देंगे वहाँ पर, परीक्षार्थी अपने हॉल में जाकर कैसे कैसे वहाँ पर क्या लेकर जाना है आपको, कैसे आपको क्रैक करना है 3 से 4 महीने में एग्ज़ाम को, ये सब कुछ डिटेल आगे के वीडियो में आपको बताया जाएगा। अभी तक सूचना के आधार के तहत परीक्षार्थी, देखिए, केवल उत्तर पुस्तिका का फोटो कॉपी उपलब्ध करवाई जाती थी। इसके लिए छात्रों को सूचना के अधिकार के नियम अनुसार, पहले क्या था कि आपको केवल आपका उत्तर पुस्तिका यानी कि आंसर शीट का ही फोटो कॉपी आपको दिया जाता था, लेकिन अब OMR का भी दिया जाएगा, ठीक है। देखिए इसके बाद बोर्ड ने शुल्क तय कर दिया परीक्षार्थी को उत्तर पुस्तिका के लिए 500 रुपया। ये सब देख लिया आप लोग। तो चलिए, यही था एक छोटा सा अपडेट जो दे दिया गया चैनल के माध्यम से, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और देखिए यहाँ पर CBSE में पहले व्यवस्था था, ये देख रहे हैं आपको बीच में दिख रहा होगा कि CBSE ने 2018 से शुरू की थी व्यवस्था, ठीक है, अब बिहार बोर्ड इसको लेकर आ गया है। चलिए, तो बिहार बोर्ड दिन पर दिन यहाँ पर अपडेट देते जा रहा है, एक एक अपडेट आपको मिल रहा है यहाँ पर। तो इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करिएगा तो यहाँ पर सब कुछ मिलेगा आपको। और देखिए यहाँ पर ओलंपियाड के लिए आवेदन दे सकते हैं, अक्टूबर में आप ओलंपियाड के लिए भी आवेदन दे सकते हैं, ठीक है। ओलंपियाड क्या होता है इसके बारे में जानना हो तो नीचे कमेंट्स करिएगा, उसके बारे में हम बता देंगे। तो यहाँ पर हम वीडियो करेंगे स्टॉप।